पाटन की विधायिका श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सीता राणा जी, लाखेरी शहर के मंडलाध्यक्ष श्री महेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, अरविंद गर्ग जी, राम बाबू जी, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सबका नाम लेंगे तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, और पंचायत समिति के दोनों हमारे प्रधानगण, प्रभुजन भाइयों और बहनों, मौसम पलट रहा है, समय परिवर्तनशील है, और जिस तरीके से मौसम परिवर्तन है वैसे समय भी परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तन के समय हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, हमारा ज्यादा दायित्व बन जाता है कि किस तरीके से हम समाज के अंदर मानवीय सेवा के माध्यम से हर व्यक्ति का कल्याण कर सके, और ये जिम्मेदारी आप सब कार्यकर्ताओं की है, क्योंकि आप जिस समर्पित भाव से, जिस राष्ट्र के समर्पित सेवा के लिए आप यहां पर आए हैं, आपके मन में है कि मैं समाज में बदलाव लाऊं, गरीब पिछड़ा शोषित व्यक्ति को न्याय दिलाऊं, उसको सम्मान दिलाऊं, उसके अभाव दूर करूं। साथियों, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि हमें सामाजिक और राजनीतिक धाराओं को बदलना पड़ेगा। आजादी के 75 साल बाद भी हमें कई बुनियादी स्वभावों अभावों के लिए आज भी लड़ना पड़ता है, और उन अभावों को दूर करने के लिए हमें सामूहिकता के साथ काम करना होगा, निश्चित कार्य योजना के तहत काम करना होगा। पिछली बार जब मैं लाखेरी में आया था तो लाखेरी के लोगों की मांग थी कि हमारे यहां दयोदय ट्रेन रुके, एक लंबे समय से वो मांग कर रहे थे। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि जैसे ही कोरोना का संक्रमण कम होगा आपके यहां दयोदय का ठहराव होगा, और आज से दयोदय का ठहराव शुरू हो चुका है। उन्होंने मांगी तो एक ट्रेन थी, लेकिन मुझे पता था कि दयोदय जयपुर जाती है, जबलपुर जाती है, कई यात्री, कई व्यापारी, कई मजदूर लोग डेली अप डाउन दिल्ली भी करते हैं, कोटा भी करते हैं। इससे लाखेरी से दिल्ली की कनेक्टिविटी और हो तो एक ट्रेन कल दिल्ली की और रुकेगी, जो केवल दिल्ली नहीं जाएगी, कानपुर तक जाएगी। हम चाहते हैं कि चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, आवागमन के साधन सुगम सरल होना चाहिए। आने वाले समय के अंदर दिल्ली बंबई एट लाइन रोड बनने के बाद लाखेरी की कनेक्टिविटी दिल्ली से भी नजदीक हो जाएगी और बंबई से भी नजदीक हो जाएगी। ये रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाती है। यहां का किसान, यहां का मजदूर जो काम करता है, यहां की ईंटें,
लाखेरी की ईंटें कई लंबे समय से प्रसिद्ध है। किस तरीके से हम लाखेरी की ईंटों का बाजार चाहे बंबई हो चाहे दिल्ली हो देश के हर हिस्से में पहुंचाया जाए, ये काम इस रोड कनेक्टिविटी के कारण और सरल होगा। यहां पर सीमेंट इंडस्ट्रीज है, कई नौजवान यहां पर मांग कर रहे हैं कि उद्योग होना चाहिए। मैंने विधायक मोदी जी से कहा है कि वह जो रिको की जमीन है, रिको एरिया घोषित हुआ है लेकिन शायद अभी वह आगे नहीं बढ़ा है। अगर जमीन की उपलब्धता होगी तो निश्चित रूप से मैं आपकी भावनाओं के साथ देश के प्रथम उद्योगपतियों से, देश में सरकारों से बात करूंगा कि लाखेरी एक कनेक्टिविटी के रूप में एक अच्छी जगह है। साथियों, हम कनेक्टिविटी गांव तक चाहते हैं। हर गांव के अंदर आवागमन के साधन अगर ठीक होंगे तो कृषि के रूप में अपनी आमदनी बढ़ाने का काम भी उस कनेक्टिविटी की वजह से होगा। इसलिए हर गांव में बेहतर कनेक्टिविटी हो, अच्छे रोड हो, लोगों को ठीक से पीने का पानी मिले, हॉस्पिटल हो, शिक्षा के केंद्र हो, ये एक प्राथमिकता की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर हम सब एक कार्य योजना बनाना चाहते हैं, हर गांव की रोड कनेक्टिविटी को बेटर करें, अच्छा करें, ताकि आवागमन के साधन सरल हो सके। लेकिन आवागमन के साथ साथ हम किस तरीके से हमारे नौजवान को रोजगार दे सकते हैं, उसको दो हाथ काम कर दे सकते हैं, इसके लिए हमें धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण उद्योग लगाने की भी कार्य योजना बनानी। और इसके लिए ग्रामीण उद्योग क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए भी गांव के लोगों को बैठकर काम करना होगा कि हम हमारे प्रोडक्ट को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर बेचने की कैसे योजना बना सकते हैं। मुझे आशा है ये सारा का सारा इलाका एक सिंचित इलाका है। जो सिंचित नहीं है उसके लिए मैंने विधायक महोदय से कहा है कि जो इलाका सिंचित नहीं है हमें उसको सिंचित करने की योजना बनाना चाहिए, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है। केवल पानी को रोककर ठीक से नियोजन हो जाए तो हर खेत पर पानी पहुंच सकता है। जब हर खेत पर पानी पहुंचेगा तो किसान की समृद्धि होगी, खुशहाली होगी। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जहां हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक नियोजित विकास प्लान विकास करेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र की प्रगति होगी। मुझे आशा है कि आप सब लोग बैठकर विधायक महोदय के साथ बैठेंगे, प्रधान जी के साथ बैठेंगे और जहां मेरी आवश्यकता होगी केंद्र के अंदर मैं निश्चित रूप से आपको सहयोग करने की कोशिश करूंगा। मुझे याद है कि लाखेरी के अंदर कई नौजवान को खेलने का मैदान नहीं, खेल मैदान तो है लेकिन वो खंडर पड़ा है। पिछली बार आया था जब मुझे कुछ नौजवानों ने कहा था कि इतने बड़े इलाके के अंदर खेल का मैदान है लेकिन खंडर पड़ा है। मैंने लाखेरी के अंदर 4.5 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम के प्रस्ताव भी भेजे हैं, उसको भी इसी वर्ष स्वीकृत कराएंगे ताकि नौजवानों को खेलने की जगह मिल सके। लेकिन नौजवान साथियों, सबके बाद भी हम एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करें, हमारी जिम्मेदारी बहुत है। हमारी जिम्मेदारी किसी को विधायक सांसद बनाने तक नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है समाज में व्यापक परिवर्तन करने। और समाज में व्यापक परिवर्तन जब भी हो सकता है, जब मेरे सामने भी बहन आ रही थी, एक बहन मोटराइज साइकिल लेकर आ रही थी, एक भाई मोटराइज साइकिल का इंतजार कर रहा। अभी कुछ देर पहले मैं एक कैंप में गया था जिस कैंप के अंदर हमारे दिव्यजनों को कोई साइकिल मिली, मोटरसाइकिल मिली, कई लोगों को व्हील चेयर मिली। लेकिन दिव्यजनों के अंदर मैंने देखा
कि कई दिव्य जनों को जो आवश्यकता थी उसके अनुसार उनको वो चीज नहीं मिल पाई, और इसीलिए हम सब राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, मेरा दावा है आप विश्वास रखो, अगर आपने 2 साल लगातार इस समर्पण और सेवा के साथ काम किया कि मेरे गांव के अंदर जो भी अभाव है, जो भी समस्या है, उन समस्याओं को समाधान करने की मेरी जिम्मेदारी है, तो आप निश्चित मानिए 2 साल के अंदर हम इस सारे इलाके के अंदर व्यापक परिवर्तन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस इलाके के अंदर हर गरीब व्यक्ति का इलाज हो। मैं देखता हूं कि कई बार गांव में जाता हूं तो गांव में, मैंने पिछली बार कोरोना के समय भी देखा कि किस तरीके से कोरोना की द्वितीय लहर के अंदर लोगों के ऑक्सीजन की कमी के कारण कई परिवार हमारे बीच में मिले। मैं पिछली बार जब लाखेरी आया था तब भी मैं कई परिवारों से मिला था, उसके बाद मैं गांव में गया तो कई परिवारों से भी मिला। मैंने पूछा कैसे हुआ तो उन्होंने कहा एकदम अचानक सांस आना बंद हो गए और चले गए। इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था कि उस गांव के अंदर चिकित्सा व्यवस्था पूर्ण नहीं थी। उनको पता नहीं था कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, गांव में ऑक्सीजन मीटर नहीं था, बुखार के लिए थर्मामीटर नहीं था, शुगर नापने के लिए ग्लूकोमीटर नहीं था, ब्लड प्रेशर नापने के लिए इक्विपमेंट नहीं थे। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम के पास 5 से 6 किलोमीटर और कम से कम 3,000 लोगों का इलाका था। ये इस कोरोना के समय कैसे संभव सकता? और इसीलिए सामान्य रूप से मैंने उस दिन भी कहा था कि हर गांव के अंदर हमें 5-5 स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैयार करने। मेरा लक्ष्य, मेरा गांव सबसे स्वस्थ गांव इस प्रतिस्पर्धा को चलाने की आवश्यकता है, और इसीलिए मैंने निर्णय किया कि पहले 5-5 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे और उस गांव के अंदर मेडिकल चेकअप कराएंगे, जिस किसी को भी बीमारी की आशंका है उसकी सारी जांच कराएंगे, और उस जांच कराने के बाद उसका डिजिटल डेटा रखेंगे और उसको जहां आवश्यकता होगी कोटा में इलाज कराएंगे, किसी को जयपुर में आवश्यकता होगी जयपुर में, और उसको किसी देश के किसी हिस्से में ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका वह इलाज धन के अभाव में नहीं करा सकता, हमारी जिम्मेदारी उसको इलाज कराकर उसको स्वस्थ रखने का काम है। यह हमारी जिम्मेदारी है। जीवन के अंदर सबसे पहले आवश्यकता व्यक्ति को स्वस्थ रखने, धन दौलत जमीन जायदाद ये कुछ काम आने वाला नहीं है जब तक आदमी स्वस्थ नहीं होगा, और ये जिम्मेदारी निभानी है आप सब लोगों को। हम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, अगर हम निश्चय कर ले कि मेरे गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति का इलाज कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं आने वाले समय के अंदर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के गांव के अंदर मेडिकल कैंप लगाऊंगा और एक एक व्यक्ति की जांच कराऊंगा। मैंने अभी देखा कई लोगों को, किसी के पैर में चोट थी, किसी के दांत नहीं थी, किसी की आंख नहीं दिख रही थी, कई लोगों को चलो कितने दिनों से इंतजार करेंगे, कितने दिनों से इंतजार करेंगे, लेकिन उसको भी अगर हम ठीक कर सकते थे, अगर हर गांव के अंदर हम देखें कि यह वयोवृद्ध व्यक्ति है, इसको कान में सुनाई में नहीं दे रहा कान की मशीन दिलाएंगे, उसको आंखों से नहीं दिख रहा आंखों का चश्मा दिलाएंगे, किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन की आवश्यकता है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन, किसी को चलने में दिक्कत है तो उसको साइकिल दिलाएंगे। कोई विकलांग है और अपन को लगता है कि पूर्ण विकलांग है लेकिन उसका सर्टिफिकेट 60% का बना हुआ है, उसका आप चिन्हित करेंगे, उसका 80% बनाकर उसको मोटराइज साइकिल चलाएंगे ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। साथियों, ये काम हमें करना है। हम राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता का काम ये नहीं है केवल कि किसी को विधायक बना दे, सरपंच बना दे, एमएलए बना दे, हमारा काम है समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना। और जिस संस्कार, जिस राजनीतिक दल के आप कार्यकर्ता, उसमें तो लिखा ही है कि समर्पण और सेवा मेरा काम है, और समर्पण सेवा मेरा काम यही है कि हम हर गांव के अंदर हर वयोवृद्ध को
उसके सहयोग के लिए एक बेटे के रूप में खड़े रहेंगे। उस गांव के अंदर वो स्वस्थ रहे, उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। उस गांव के अंदर पढ़ने वाले बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, नई आधुनिक शिक्षा मिले, ताकि यह गांव में पढ़ने वाला बच्चा भी देश के अंदर नाम कर सके, दुनिया के अंदर नाम कर सके। अब लोगों को परिवर्तन दिख रहा है, गांव के अंदर अच्छे अच्छे टैलेंट है बच्चों के अंदर, लेकिन उनके पास ठीक से गाइडेंस करने वाला नहीं। वहां पर स्कूल के अंदर स्कूल अच्छे हों, स्कूल स्मार्ट क्लास के रूप में हम सारे स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाएंगे, ये जिम्मेदारी अब आपको उठानी है। मैं कई बार कहता हूँ कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता कभी लेकर आता है कि मेरे गांव की ये इतनी सीसी बना दो, ये बना दो, ये काम हम लगातार करते रहेंगे। इससे बड़ा काम मानवीय सेवा का है, और मानवीय सेवा का काम कर लिए तो मैं कह सकता हूँ कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र पूरे देश के अंदर एक उदाहरण पेश कर सकती है कि किस तरीके से यहाँ का सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता समाज सेवा के समर्पण के साथ अगर कोई भी पीड़ा होगी, कोई भी अभाव होंगे, तो उस अभाव को दूर करने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी। इस संकल्प के साथ काम करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है अगर हम सबने सामूहिकता के साथ इस काम को काम किया तो हर गांव के अंदर हर गांव को भी स्वस्थ रखेंगे, अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, और हर बुजुर्ग के सहारे के रूप में हम खड़े रहेंगे। यही हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि मैं जब आज कैंप में गया तो मैंने देखा कि कई दिव्यजनों को कई इक्विपमेंट की आवश्यकता थी, लेकिन उनका सर्वे करते समय वह उपयुक्त उपकरण उसको नहीं मिल पाए थे। इसका कारण ये रहा कि हमारे राजनीति और सामाजिक कार्यकर्ता ने ठीक से गांव के अंदर चिन्हित किया। आप अगर गांव के अंदर जाओगे तो कई बुजुर्ग मिलेंगे आपको, उनको देखो भी तेरे चश्मा नहीं, दांत नहीं, सुन नहीं सकता, कमर में चोट है, चल नहीं सकता, पैदल है। उसको जो भी आप देखोगे, आने वाले समय में हर गांव के अंदर आप लिस्टेड करो, फिर उसका एक और कैंप लगाएंगे, उस कैंप के अंदर उसका फिर अनुमान लगाकर अगले कैंप के अंदर उसको सामान दिला देंगे, ताकि हर दिव्यजन खड़ा हो सके, हर बुजुर्ग का सहारा हम बढ़ सके। ये जिम्मेदारी आप सब कार्यकर्ताओं की है। मुझे आशा है कि हम सब लोग इस सामूहिकता के साथ यहाँ काम करने आए, और हम सब सामूहिकता के साथ काम करेंगे। ये बात सही है कि मेरा आपके बीच में आना जाना कम है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि हर कार्यकर्ता से टेलीफोन के माध्यम से कहीं न कहीं चर्चा करता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं से भी अपेक्षा करूंगा कि उनको कोई भी किसी तरह का काम हो तो कोटा कैंप ऑफिस में बात कर सकते हैं, दिल्ली कैंप ऑफिस में बात कर सकते हैं। आपके हर टेलीफोन का रेस्पॉन्स होगा, हर कार्य का रेस्पॉन्स होगा, कैसे उसका काम हो सकता है, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन कई बार आप ऐसा काम बताते थे कि वार्ड मेंबर का काम दिल्ली के संसद सदस्य को बताते हो, ये मुश्किल का काम है। मैं भी वार्ड में आया तो उन्होंने कहा कि वार्ड मेंबर साहब सफाई नहीं हो रही। ये काम जनप्रतिनिधि का एक सिस्टम बना हुआ है, वार्ड का काम जनप्रतिनिधि करेगा, पंचायत का काम ग्राम सरपंच करेगा, राज्य का काम वहां की विधायिका करेगी, और दिल्ली का काम हम करेगा। लेकिन उसके बाद भी मेरी जिम्मेदारी है, आप निश्चित रूप से मानिए, आपने मुझे चुनकर भेजा है, बड़े विश्वास भरोसे के साथ भेजा है। मेरी भी कोशिश है उस विश्वास भरोसे को कायम रखूं, और किस तरीके से हम सामाजिक जीवन के अंदर लोगों के जीवन में सहयोगी हो सकते हैं, उसके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए हम सब सामूहिकता के साथ काम करें। आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है, इस गर्मी में भी आप बैठे हुए हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।